दिवाली की धूम है। इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं डांस झारखंड की, जहाँ के तमाम जो है जितने भी स्टूडेंट हैं वह अपने फैकल्टीज़ के साथ यहाँ पर रंगोली मनाकर दिवाली को एक दूसरे को बधाई देकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। डांस झारखंड के जो डायरेक्टर हैं राम, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस बार दिवाली में खास है, क्योंकि अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ मौजूद है। क्या कुछ इस बार किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं राम? सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल और जय श्री राम। हम लोग सभी को पता है कि पिछले 3 वर्षों से हम लोग दिवाली नहीं मना पा रहे हैं भव्य रूप से, क्योंकि दीप तो जली रहती घर में, जो कि हमारा परंपरा चले आ रही है हिंदू धर्म की, तो दीप तो जलेगी, बट हम लोग दिवाली नहीं मना पा रहे थे। तो इस बार 3 साल के बाद दिवाली मन रही है, लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह है और आप देख रहे हैं कि कलाकार के चेहरे पे कितना खुशी दिख रहा है कि इस बार दिवाली मन रही है। बहुत लोग क्रैकर्स फोड़ने के लिए उत्साह है, किसी को ड्रेस पहनना है, किसी को मिठाई खाना है, किसी को मेकअप करना है। तो वी आर आर्टिस्ट, तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि आर्टिस्ट हमेशा चाहते हैं कि फुल कवरेज उनको मिले, रिलेटेड खाना पीना, एंजॉय मस्ती, डांस, रंगोली, एवरीथिंग सभी लोग चाहते हैं। आपके स्टूडेंट हैं? हाँ, सभी लोग मेरे स्टूडेंट हैं। क्या क्या प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं। मैं सभी को सिखाता हूँ डांस, मेरे असिस्टेंट है रोहन जो कि डांस प्लस 4 का कंटेस्टेंट, ये भी यहाँ बहुत मेहनत करता है, और बच्चियाँ सारी जो कि फ्री स्टाइल कॉन्टेम्प डांस मॉडलिंग भी करती हैं और अनेक अनेक क्लासिकल डांस भी लोग करती है। तो आज जो हम लोग कार्यक्रम रखे हैं रंगोली की प्रस्तुति जो देख रहे हैं आप, ये है बच्चे अलग अलग ड्रेस पहन के आए हैं और दीप भी दिख रहा है आपको, दीप भी जला हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर दीप सजाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेनका कुमारी। क्या आप भी सीखते हैं? जी सर। क्या सीखते? फ्री स्टाइल। क्या नाम है? दिवीजा भारद्वाज। क्या सीखते हैं? यहाँ पे मैं फ्री स्टाइल डांस सीखती हूँ। दिवाली के लिए सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं इस बार परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ? क्रैकर्स के साथ, मिठाई के साथ, गिफ्ट्स के साथ। हाँ। क्या नाम है? माय नेम इज आराध्या रानी। कैसे मनाना है दिवाली से? मिठाई खा के और दिया जला के। पटाखा फोड़ना? यस, पटाखे फोड़ना। यस। क्या सीखते हैं आप यहाँ? डांस। किनके तरह डांस करना है आगे चलिए? हमको रोहित सर की जैसा। चलिए रोहित सर से ही बात कर लेते, क्योंकि रोहित सर की तरह ही डांस जो है करना है। क्या कहिएगा, आप ही सिखाते हैं यहाँ? यस। स्टाइल सिखाते हैं? एक्चुअली यहाँ पे हम सारा स्टाइल सिखा रहे हैं और यहाँ पे जितने बच्चे हैं सारे टैलेंटेड हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और भी चाहता है कि और भी मेहनत करें, आगे बढ़े और लाइफ में अपना फ्यूचर बनाए और आगे। सर एक्चुअली मैं डांस प्लस 4 का स्टूडियो राउंड कंटेस्टेंट हूँ, टॉप 12th में पहुँचा हूँ और मेरा स्टूडियो राउंड था मुंबई और यहाँ तक पहुँच के मैंने मतलब स्टूडियो राउंड तक पहुँचा। उसके बाद वहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री में मैं रिजेक्टेड हो गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं फिर तैयार करूँगा और अपने आप को आगे बढ़ाऊँगा। यस सर। बच्चों को क्या मोटिवेट करते हैं मोटिवेट वहाँ तक जाने के लिए? एक्चुअली यहाँ पे मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ और भी अदर स्टाइल बता रहा हूँ, नॉलेज भी दे रहा हूँ, डांस के साथ साथ डिसिप्लिन भी बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सारे एक्टिविट हैं, सारे बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, सारे मतलब फोकस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छे से करें और मेरा नाम रोशन करें और क्लास का नाम भी आगे बढ़ाए। थैंक यू। क्या कहिएगा, अभी सीखते हैं डांस आप लोग? सबसे पहले हैप्पी दीपावली सबको, और यहाँ पे बहुत मस्तियाँ हो रही है और ये रंगोली हम लोग सब मिल के बनाए हैं और अभी बहुत और भी मस्ती होने वाली है और यहाँ पे सबसे मेन घर पे भी होगी, अभी यहाँ पे भी होने वाली है। और सबसे मेन यहाँ पे है कि अभी हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, मेन फ़ोटो शूट के लिए आए हैं। और यहाँ पे डांस बहुत अच्छा सिखाया जाता है, राम सर बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, हम लोग गलत रहते हैं तो भी सिखाते हैं एज अ पेरेंट्स के जैसे कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। रोहन सर भी बहुत अच्छा सिखाते हैं और यहाँ पे आ सकती है अगर किसी को आना है डांस सीखने के लिए, तो क्योंकि ये रांची नहीं, रांची का ये सबसे बेस्ट डांस एकेडमी है, दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ और ये फैक्ट है। सबको हैप्पी दीपावली और बहुत अच्छा लग रहा है आज हम लोग यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, प्री दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोगों ने सबने मिलकर रंगोली बनाया है, दीप जलाया है और कुछ फ़ोटो शूट्स हुआ है, बट हम सब ने खूब मस्ती की जो मैटर करता है और सब ने बैठ कर मस्ती किया, टाइम स्पेंड किया, रंगोली बनाया और बहुत मज़ा आया। क्या कहना चाहिएगा आप लोग इस बार दिवाली को लेकर?
जैसा कि आप देख सकते हैं डांस झारखंड में राम सर के साथ हम लोग सब दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सो इसके बाद घर में भी सेलिब्रेशन करना है, और जैसे कि लॉकडाउन था तो उसके वजह से लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो इस साल सारे लोग अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर पाएंगे। First of all, wishing you a very happy and a safe Diwali, and I'm really glad to be a part of this dance institution. Actually, I want to say something for our director sir. मतलब इनके जैसा down to earth इंसान मैंने नहीं देखा है. He is very supportive to all the, you know, all the candidates who are practicing here. So wish you all happy and a safe Diwali. Thank you. तो राम सिंह की काफ़ी सारी प्रशंसाएं हो रही है। राम सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वह वही राम सिंह है जिन्हें आप पहाड़ी मंदिर में श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ के रूप में देखते हैं। वही राम सिंह है जो कि महादेव शंकर भगवान का रूप लेते हैं। पार्वती माता को कहाँ छोड़ पार्वती को इसी समय कोई बनती है। देखिए मेरे सारे बच्चे जो हैं वो पार्वती के रूप में ही हैं, क्योंकि सारे में एक अलग अलग गुण है। तो मैं सभी को चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग शिवरात्रि में एक बार पार्वती का करेक्टर सभी लोग ले बारी बारी करके। तो पूरा ऑडिशन करना पड़ जाएगा पार्वती के लिए? नहीं, देखिए अगर वी आर हम लोग खुद ऑर्गेनाइज़र हैं तो बच्चों को हम लोग खुद ही स्टेज प्लेटफॉर्म देते हैं। हम लोग हमारे बच्चे यहाँ जो भी आते हैं ना तो 2-3 मंथ्स में वो लोगों के अंदर इतना टैलेंट आ जाता है कि वो लोग अपने कैरेक्टर्स को एक्सपोज कर सकते हैं। सिर्फ पार्वती के लिए कि शंकर भगवान के लिए भी होना चाहिए? देखिए अब शंकर भगवान का तो मैं उनका कैरेक्टर लेता हूँ, बट उनका गुण तो मैं नहीं ले सकता, बट उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। जो उनके आशीर्वाद से जो भी मैं कर पाता हूँ उसके अच्छे से करता हूँ। एक बार हो जाए शंकर भगवान के लिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये थे हमारे साथ राम सिंह जो कि डांस झारखंड के डायरेक्टर हैं, और कई सारे बच्चे यहाँ पर डांस सीखते हैं। इस आज दिवाली से पहले जो है एक रंगोली जो है, दिवाली में रंगोली की खास महत्व होती है, और ये रंगोली आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रंगोली मनाकर बच्चे आपस में एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रंगोली मनाकर दिवाली का जो है इस बार, चूँकि कोरोना काल में 2-3 सालों से जो है दिवाली नहीं मना पा रहे थे परिवार वाले, एक दूसरे के साथ जो है सेफ दीपावली मनाने के लिए सभी को बधाइयां शुभकामनाएं दी जा रही है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।